होता है, टाइम का होता है, दुकान खुलता है बंद होता है। लेकिन गांव में जो अनलिमिटेड रात में 12 एक बजे में जाने से भी मिलता है, उसी चीज होते हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए ताकि और अच्छे से दिमाग में आए। मैं जो भी कहता है तो वो कहीं भी रहो कुछ भी कर लो, 7 बजे सुबह का और 7 बजे तो अपना हमें सीरियसली हुआ का मैं आज ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करी से और किया है। तभी मैं स्पेशली माताएं जो बैठी है इधर, सबसे पहले तो सर आपको अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और सर आज यहाँ पे वागुन पौंठाई में जो एक मीटिंग रखा गया है, इनोग्रेशन फंक्शन रखा गया है, तो सर उसका ऊपर में आप कुछ। मैं आज यहाँ आके जो डी एडिक्शन सेंटर को इनोग्रेट करके मेरा दिल में खुश हुआ, क्योंकि हम सब लोग को मालूम है ड्रग्स क्या चीज़ है, और इस एरिया में पार्टिकुलरली चांगलांग नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रग्स मेनेंस जो प्रिविलेंट है, ये चीज़ को देख के हर पेरेंट्स का दिल में दुख और दर्द होता है। तो आज यहाँ में जो वागुन पौंठाई बस्ती में पौंठाई वेलफेयर सोसाइटी ने जो डी एडिक्शन सेंटर को खोला है, इसको लेके मैं इन लोग को वागुन पौंठाई वेलफेयर सोसाइटी को मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर और यहाँ पे आज आपने कहा था कि आपके तरफ से लेट फंड से 3 लाख रुपया देंगे होंगे, और सर फ्यूचर में भी सर आप इसी प्रकार से मतलब मदद करते रहेंगे या सरकार का तरफ से कुछ मदद मिलने वाला है? सरकार का तरफ से इस सेंटर को लेके मेरा ऐसा आइडिया नहीं है, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से तो ड्रग्स को लेके तो बहुत सीरियसली ले रहा है। हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सब जहाँ भी जाता है ये ड्रग्स का बारे में बोलते रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप सब लोग को मालूम है कुछ महीना का पहले भी गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो ड्रग्स यूज़ करता है इन लोग के लिए भी समय दिया गया था। बहुत ने खुद अपना से सरेंडर करके कुछ डी एडिक्शन सेंटर में भी गया होगा, तो गवर्नमेंट का तरफ से तो बहुत सीरियस है ड्रग्स का ऊपर में। लेकिन अभी इस सेंटर को लेके अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में है, अभी गवर्नमेंट का तरफ से ये होगा नहीं होगा बोल के मैं नहीं बना सकता हूँ। लेकिन मेरा तरफ से जो आज अनाउंस किया है मेरा जो लेट का तरफ से मैं 3 लाख रुपया फेस वन हिसाब से मैं देने के लिए कोशिश करूँगा, और आने वाला दिन में भी अगर ये सेंटर सक्सेसफुली चलता है तो इसको देखने के लिए मेरा तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर और आपके स्पीच के दौरान सर आपने कहा था कि यहाँ पे जो नज़दीकी बस्ती है गांव है सर वहाँ से भी लोगों को लेना है बल्कि, और इसका ऊपर सर आपको क्या कहना? नहीं नहीं लेने से ठीक है, क्योंकि हर गांव में हम लोग डी एडिक्शन सेंटर नहीं खुल सकता है। तो ये वागुन पौंठाई यहाँ में आके हमको मालूम है ये बिल्डिंग्स को देख के कंपाउंड को देख के ये एक सुइटेबल जगह है, तो एक सेंटर ऐसा भी है। आप यहाँ से वागुन वन, वागुन टू, वागुन थ्री, वागुन फोर, साइमो, देन खेरमपानी, राजा नगर, दबखू, मकानटोंग, बरखेत, इन लोग के लिए भी ये गाँव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जो गलंजा पौंठाई, बालीजान पौंठाई, लुंकुम पौंठाई, वागुन पौंठाई, ये 4 विलेजेस के लिए इन लोग ने जो शुरू किया, तो आने वाले दिन में बाकी गांव या आसपास का गांव से भी लेंस ठीक है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ड्रग्स का चेन को टूटाना है। अभी देखिए ये वागुन पौंठाई नहीं तो 4 गांवों को ठीक करेगा, बाकी को नहीं करेगा तो ये चेन नहीं टूटेगा। इसलिए जितना सकता है फेस वाइज में, एट अ टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन फेस वाइज में बाकी गाँव से भी जो नाइबरिंग गाँव से एडजेसेंट गाँव से इन लोग से लेने से ठीक है, यही मेरा इच्छा है। सबसे पहले सर अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूँ आपको। थैंक यू सर। सीधे मुद्दे पे बात करते हैं सर, आपके स्पीच के दौरान सर आपने काफ़ी पॉइंट्स कहे हैं, तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा सर, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो ड्रग इंटेक करते हैं और पैदलर है उन लोग के लिए सर क्या सोच के रखा है सर, आने वाले दिनों में किस प्रकार से कार्रवाई होगा? इसमें दो चीज़ें हैं, एक एडिक्ट है, एक पैदलर है। तो जो पेडलर है उसके लिए सोचने का है नहीं, वो ऑलरेडी उसका अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहा है, हम उसका अगेंस्ट में और इंटेंसिफाइड करेगा और सख्त से उसका अगेंस्ट में हम लोग कदम उठाएगा।
और कुछ गांव में बस्ती में कुछ ओल्ड एज वाले पहले से एडिक्ट होकर रखा हुआ है, जो बेसिकली ओपियम जो कनी एडिक्ट है, उसको हम लोग का कोशिश ये रहता है कि पहले इसको कन्विंस करें और रिहेबिलिटेट कर रहा है, यही रिपोर्ट है हम लोग। सर और एक क्वेश्चन रहेगा सर, जो डी एडिक्शन सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर में बैठते हैं और सर वहाँ से जो कंप्लीट नहीं करके अपना जो ड्यूरेशन है कंप्लीट नहीं करके जो भाग जाते हैं सर, उन लोग के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? सबसे पहले उसको हम लोग समझाने की कोशिश करेगा, मोटिवेट करेंगे ताकि वो उधर से इनकम्प्लीट होकर ना जाए, कम्प्लीट करके ही निकालें। अगर नहीं माना तो फिर हेज फॉर लो जो भी कानून का अंदर NDPS का अंदर में आता है उसका ऊपर में हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर आपके ओर से सर हमारे मीडियम के ओर से लोगों तक कुछ अपील करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे सर ड्रग के ड्रग को लेकर? मैं सभी पब्लिक स्पेशली चंगलांग डिस्ट्रिक्ट का आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, ड्रग को ख़त्म करना है तो हम लोग सब एकजुट होना पड़ेगा, सब आगे निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और गवर्नमेंट का सिर्फ विषय नहीं है, सारा समाज उसका हकदार बनना है और इसका खिलाफ में हम लड़ना है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाला दिन में ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बिट्स तो अपना लोगे सीरियसली लोवा कारण आज यू मीटिंग तो ऑर्गेनाइज करी से आरो ये डी एडिक्शन सेंटर तो आमी इनॉग्रेट करबो पारिस जुवा महिना आमार मयते खारसांगत जी मीटिंग तक उपस्थित हवा कटाम मैं देखी चांगलांग डिस्ट्रिक्टर जिमा बेलेग बेलेग सेक्शन बेलेग बेलेग कम्युनिटीर रिप्रेजेंटेटिव आर चांगलांग डिस्ट्रिक्टर आम पाँच जन ऑनरेबल भर आम चार मीटिंग ऑर्गेनाइज कर तांगसा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लगत यूथ लाइक हेतु मीटिंग भी बहुत चर्चा हो आम सबे ड्रग्स ऊपरते बहुत डिस्कस करूँ जने का आज आम आगत जी फॉर्मर स्पीकर बिलागे भाल भाल कथा कह गल आम सबे शुनीसो तो आज आम सब शुनिल इन पार्टिकुलर आम एस पी सब तखे यू लाइन आई प्रोग्राम शुनीखिल किसान बच्चा पलाय गए ड्रग्स खुआ मानू नग्स खुआ ला छी क्या टका पा निश्चय मा बाबा कन्ट्रीब्यूट कर नियर घर नी लोकर पर धार कर टका तो दी इतना कौते गई कैसे अपना बच्चा तो साउते गई ना कौन बात होते हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए ताकि और अच्छे से दिमाग में आए, और मैं जो बोलूँगा वो जितना भी स्पीकर ने बोल चुका हूँ शायद उसी को ही मैं दोबारा रिपीट करूँगा। और ये आज बहुत अच्छा दिन है, जो जो लोग चार जाते हैं किसान इनको पता है आज फादर्स डे है और सबको मैं हैप्पी फादर्स डे भी कहना चाहता हूँ। और दूसरा ये हुई जो आने वाली जो 26 जून में जो सारा दुनिया में एक डे मनाया जाता है जिसको बोलता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो वह आने वाला है 5-6 दिन का बाद आएगा, और ये दोनों को मिलाते हुए आज का जो प्रोग्राम जो किया है बहुत ही अच्छा ठीक टाइम पे आप लोग ने शुरुआत किया है। और मैं सबसे पहले ये जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट लाया और इनिशिएट किया गया मैं सबको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि रिहेब में जाने के लिए अपना माइंड डिसीजन जो लेना ये सबसे कठिन है, और ये डिसीजन लेके अभी आज यहाँ तक अगर आ गया मैं विश्वास करता हूँ कि ये 50% ऑलरेडी डी एडिक्शन का कंप्लीट हो चुका है, और जो रिमेनिंग जो 50% जो बचा हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक महीना बैठेगा 45 डेज बैठेगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आज जो यहाँ आप लोग आया है ऑलरेडी आप लोग का आधा तो ऑलरेडी जो लड़ाई है हो चुका है, जीत चुका है, तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई। और लेकिन इसी ड्रग्स को
जोरों से ज्यादा आप अगर लेना शुरू कर देगा तो आपका इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म उसका आदत हो जाएगा, तब जाके जो है बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। दिन में कहीं भी घूमो, आप दारू दिन में नहीं पीता या काली नहीं खाता है कोई बात नहीं है, बड़ा इधर लीडर बात करेगा, लेकिन शाम को आके वो या तो दूसरा घर में या अपना घर में होने से भी उसी समय में उसको काली चाहिए, नहीं तो गुस्सा होगा, झगड़ा करेगा, बाल बच्चों से झगड़ा करेगा, बीवी तो पहला नंबर वन टारगेट होता ही है। तो किस तरह से होगा, उसको काली मिल जाने से फिर शांति हो जाएगा, फिर वो लीडर जैसा बात करेगा, फिर सुबह अगर काली नहीं मिलेगा काम करने जाने से पहले, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो रोगी हो जाता है, ही बिकम ए पेशेंट। इस चीज को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ड्रग को फाइट करने के लिए, ये मैनेज को सोसाइटी से निकालने के लिए हमें कोई जंगी जहाज नहीं चाहिए, ट्यूब नहीं चाहिए, टैंक नहीं चाहिए, राइफल नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोगों को अपना दिल से और दिमाग से इस चीज को रियलाइज कराना है कि ये गलत चीज है, ये गलत चीज है और इस गलत चीज को छोड़ना है। तो आज जो है आप लोग जो पंथाई समाज जो है, लोंगकोम पंथाई, वागन पंथाई, बालीजान एंड जलंजा पंथाई, ये जो एसोसिएट करके जो ये किया है, बता के किया है, तभी मैं स्पेशली माताएं जो बैठी है इधर मदर्स, उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उन लोग का रोल जो है सोसाइटी में, फैमिली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये अपना रोल को महसूस करना है, हम लोग का रोल क्या, आज बच्चा जो क्यों गुमराह हो रहा है, अपना रास्ता से क्यों भटक गया, कहीं ना कहीं हम मेरा हम लोग का जो पेरेंट्स है उसका भी कुछ इसमें रोल है। तो मैं आज का दिन जो है वही पेरेंट्स को, सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपना बच्चा को अच्छा से रखिए, अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि माता जो है, मदर जो है, घर चलाने वाला होता है, जेंट्स भी है, बोथ पेरेंट्स दे हैव टू प्ले इक्वल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फैमिली एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो दोनों बराबर रोल करना है, ये सही है, लेकिन हम लोग जो महिला है उन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सुबह शाम आप अगर माँ घर में नहीं रहेंगे, नहीं बैठेंगे, सही ढंग से खाना नहीं देंगे टाइम में बच्चा को, आप क्या संस्कार देंगे। अभी सुनने मिलता है बहुत सारा, हम लोग का पंथ है जिसमें मैं तो बहुत ही अच्छा है, महिला लोग अपना खाना पाना नहीं बना के हाउसी खेलती है।